हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे और ऑनलाइन स्टडीज़ का आनंद भी जरूर ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने आपकी हिंदी लिटरेचर की बुक नलिनी का चैप्टर नंबर 2 लेकर, जिसका नाम है एक पुरानी कथा। उसका पठित गद्यांश जो रह गया था उसको आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो एक पठित गद्यांश लिया है मैंने उस चैप्टर का और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं, उनको मैं आपको समझाती जाऊंगी। पठित गद्यांश है आपका ये, इसमें है, परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ, मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि मैं पहले ही मछुए को बता देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती। यदि मछुए की स्त्री में संतोष होता तो पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती। मछली ने पहले तो अपने वरदान से यह प्रकट कर दिया कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो कि उसकी शक्ति से बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप दे बैठी। ये तो गलत हो गया। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया। मछुए ने निस्वार्थ भाव से उस पर जो उपकार किया था, उसकी जान बचाई थी, नदी में पहुँचाया था, इन सब बातों को वह भूल गई। वो भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय मदद न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा कि जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी, अब कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। तो यह है आपका गद्यांश। इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में लेखक किसको दोषी मानता है। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कहानी में लेखक मछली को दोषी मानता है। दूसरा क्वेश्चन है, मछुए की कौन सी याचना पर मछली क्रुद्ध हो गई। मछली द्वारा सूर्य, चंद्रमा तथा मेघ इत्यादि को अपने अधीनस्थ करने हेतु याचना पर मछली रुष्ट हो गई, क्रुद्ध हो गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3, मछली ने अपने वरदानों से क्या प्रकट कर दिया था। मछली ने अपने वरदानों से प्रकट कर दिया था कि वो सब कुछ कर सकती है, उसके हाथ में सब कुछ है। क्वेश्चन 4 है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए, दोष, याचना, क्रुद्ध, अभिशाप तथा शक्ति। तो दोष का मीनिंग होता है गलती, याचना का होता है मांग, क्रुद्ध का नाराज और अभिशाप का श्राप, और शक्ति का मीनिंग होता है सामर्थ्य या ताकत। उसके बाद है नंबर 5 क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, वरदान, निर्दोष, याचना, संतोष, उपकार। तो वरदान का विलोम है अभिशाप, निर्दोष का दोषी, याचना का दान और संतोष का असंतोष, उपकार का अपकार, ये इसके विलोम शब्द हो गए। समझ आया। अगला क्वेश्चन है, वाक्य प्रयोग कीजिए, अस्तित्व और प्रकट, इन दो शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। अस्तित्व का बनाया है मैंने, श्री राम ने रावण का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया, और प्रकट का बनाया है, श्री कृष्ण ने विराट रूप में प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन दिए थे। आप लोग अपने मन से वाक्यों को चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे वाले ही वाक्य आप लोग लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ गद्यांश के लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम है श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो इस तरह से ये आपका पठित गद्यांश रहा और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर रहे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पठित गद्यांश को किस तरह हमें सॉल्व करना चाहिए। तो आपके टेस्ट के लिए मैंने एक पठित गद्यांश और दिया है, जिसके केवल प्रश्न दिए हैं, आंसर आप लोग खुद करेंगे, उन्हें करने की कोशिश करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपका गृह कार्य हेतु पठित गद्यांश है ये, देखिए ये मैंने आपको दिया है, इसको समझा रही हूँ, इसी चैप्टर का है ये। हम सभी लोग जीवन में यही भूल करते हैं कि हम लोग अपने दोषों को छुपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों में महत्ता न देकर अपने ही कार्यों को महत्व देते हैं। हम यह तो निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर उपकार किया, परंतु हम यह नहीं बताते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। अपना किया हुआ उपकार तो याद रहता है, लेकिन दूसरे के द्वारा किया हुआ अच्छा कार्य, हमारे प्रति अच्छी बातें, वो हम भुला देते हैं। तात्पर्य यह है, सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और लेन देन कुछ दूसरी बात है। कहने का मतलब यह, उपकार और सेवा की जो भावना इंसान के अंदर होती है
वो एकदम अलग बात है, उसकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि किसी चीज़ से तुलना नहीं हो सकती, किसी भी तरह का लेन देन रुपया पैसा उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है उपकार और सेवा अलग बात है और लेन देन करना दूसरी बात है। ठीक है, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, वो समझा दे रही हूँ आपको, करेंगे आप लोग खुद से। पहला प्रश्न है, हम सभी लोग अपने जीवन में कौन सी भूल करते हैं? तो इसका आंसर क्या बनेगा, हम सभी लोग अपने जीवन में ये भूल करते हैं कि अपने दोषों को छुपाकर दूसरों पर दोषारोपण कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हम निसंकोच क्या कहते हैं? हम निसंकोच कह देते हैं कि हमने किसी पर उपकार किया और या फिर हमने किसी के लिए कुछ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में दी गई कौन सी दो बातों का कोई मेल ही नहीं होता या कोई तुलना ही नहीं होती? तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, किसी के प्रति किया गया उपकार या सेवा ये अलग बात है और किसी के लिए किया गया लेन देन वो अलग बात है। इन दोनों बातों का कोई मेल नहीं है, कोई तुलना नहीं है। फिर है संधि विच्छेद कीजिए। तो दोषारोपण शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है, इसका हो जाएगा दोष प्लस रोपण। फिर है विलोम शब्द लिखिए, संकोचवश और अपकार। संकोचवश का विलोम हो जाएगा निसंकोच, अपकार का हो जाएगा उपकार। विशेषण शब्द बताइए। पहले बता दूं मैं विशेषण क्या होता है, कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो दोष का विशेषण बनाएंगे तो बन जाएगा दोषी, और सेवा का बनाएंगे तो सेवक। फिर है वाक्य प्रयोग कीजिए। तो महत्व और लेन देन, इन दो शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। तो जो मैंने समझाया उसके आधार पर आप लोग स्वयं से इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे, और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से करिएगा, समझ समझ के करिएगा और अच्छी तरह करेंगे, ध्यान देंगे तो आप लोग सब कर पाएंगे। यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।